हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन क्या ये आपको पता है कि अगर शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाए तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं, या फिर जो नॉर्मल प्लेटलेट्स है वो कितनी होनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम हो जाता है तो उस दौरान उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, साथ ही जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होती हैं वो कितनी होती हैं। तो प्लेटलेट्स होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो प्लेटलेट्स हमारा जो ब्लड होता है, हमारा खून होता है, उसी का एक कंपोनेंट होता है। जैसे हमारे ब्लड में होता है RBC जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उसी तरह से होता है WBC जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और उसी तरह से होता है प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट। तो अभी आपने देखा होगा कि डेंगू का सीजन बहुत ज्यादा चल रहा था, तो उस दौरान जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो रहा था तो डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करवाते थे तो यही बोलते थे कि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, अब आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी। तो अब जो प्लेटलेट्स जब कम हो जाती है तो इनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? जो लो प्लेटलेट काउंट होता है, लो प्लेटलेट्स काउंट होता है, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट, मतलब कि आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? तो इसके लिए हमको इसका जो नॉर्मल रेंज है वो मालूम होना चाहिए। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? इसकी नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख टू 4.5 लाख, मतलब कि 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक इसकी नॉर्मल काउंट्स होती है। हमारे ब्लड में ये होना चाहिए, लेकिन वहीं पे जब 1.5 लाख से प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तो उसको हम बोलने लगते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब जो प्लेटलेट होती हैं इनका काम क्या होता है? तो प्लेटलेट का मुख्य काम होता है कि हमारे शरीर में अगर कहीं पे भी ऐसे चोट लग गई, घाव लग गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं टूट फूट हो गई, तो उस दौरान जो ब्लीडिंग होती है, जो खून बहता है, उस खून को थक्के के रूप में बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट करती है। इसका मतलब कि इसका मुख्य काम होता है ब्लड को क्लॉट करने का। लेकिन जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि उसको प्लेटलेट्स कम है तो उसको कहीं चोट लग जाएगी तो उस दौरान जो ब्लीडिंग है वो जल्दी बंद नहीं होती है। एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अब्सेंट होते हैं, और उस वजह से व्यक्ति को हमेशा ब्लीडिंग होती रहती है। तो यहाँ पे हम प्लेटलेट की बात कर रहे थे। तो प्लेटलेट अगर कम है तो हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नॉर्मल रेंज उसकी क्या होती है? 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख होती है। इस वजह से काम क्या होता है? इसका काम, मुख्य काम होता है क्लॉटिंग। तो ये किस तरह से क्लॉटिंग करता है इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हमारे शरीर पे कहीं पे भी कट लग जाता है या फिर कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है तो उस दौरान ये जो प्लेटलेट होती है ये विघटित होती है, टूटती है। जब ये टूटती है, विघटित होती है, तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाती है? ये बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो विटामिन सी होती है और कैल्शियम होता है इसके साथ मिलकर काम करता है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये कैल्शियम एंड जो विटामिन सी होती है इसके साथ मिलके जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको चेंज करती है किसमें? थ्रोम्बिन में। उसको चेंज करता है थ्रोम्बिन में। यहां तक का क्लियर हो गया? प्लेटलेट्स टूटी, उससे उसने क्या बनाया? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और विटामिन सी के साथ मिलके जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको चेंज करता है किसमें? थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा की जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, कौन सी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें? फाइब्रिन में। इसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। अब ये जो फाइब्रिन होता है यही क्या करता है कि एक बारीक जाल बुनने का काम करता है, मतलब जहां पे भी कट लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है, उस जगह पे ये जो फाइब्रिन होती है ये करती है एक जाल जैसा बनाने लगती है, और जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है, वो इसी जाल में फंस जाती है, और उसके बाद यहाँ पे क्लॉट्स जैसा बनने लगता है, थक्का जैसा जमने लगता है।
जब कहीं पे भी कट लगे आप इसको देखिएगा कि जब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद फिर ब्लड वहीं पे जमना शुरू हो जाता है। तो किस वजह से होता है, मेन काम तो यहाँ पे प्लेटलेट कर रही है लेकिन लास्ट में जो फाइब्रिन है वही अपना रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन सी की कमी हो जाए, तो फिर ये जो प्लेटलेट है ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्लेटलेट टूट रही है तो ये क्या कर रही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रही है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और विटामिन सी के साथ मिलके ही प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर कहीं पे भी ये दोनों एब्सेंट हो गए तो फिर जो ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसीलिए जब भी व्यक्ति को प्लेटलेट की कमी होती है तो साथ में कैल्शियम और विटामिन सी भी चलाई जाती है, वो भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि जब शरीर में प्लेटलेट कम हो जाता है तो कौन कौन से संकेत दिखते हैं। तो पहली बात तो इसमें हमको जो सिम्टम दिखेगा, सबसे पहला सिम्टम ब्लीडिंग का दिखेगा, क्योंकि जो प्लेटलेट है इसका क्या काम है, क्लॉट करना, और जब इसका कमी हो रही है तो क्या होगा, ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, जैसे नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति ब्रश कर रहा है, ब्रश के दौरान अगर जो ब्रश है या फिर जो दातून कर रहा है, दातून है मसूड़ों में कहीं लग गया, तो इसकी वजह से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वो जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी उसका मुंह भर जाएगा, लेकिन जो ब्लीडिंग होगी वो क्या होगी, वो बंद नहीं होगी या फिर बहुत देर में बंद होगी। तो ये पहला लक्षण है, इस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, उसको लगता है कि शायद उसके दांत में क्या हो गया है, पायरिया हो गया। तो पायरिया के जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि ब्रश करते वक्त अगर कहीं पे कट गया है, उस दौरान आपके मसूड़ों से बार बार खून आ रहा है, वो खून जल्दी बंद नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि ये एक क्या है, ये प्राइमरी सिम्टम है, शुरुआत के लक्षण है, जिस पे आदमी ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर शुरुआत में ध्यान दिया जाए तो आगे जो बड़ी समस्या होती है उससे आदमी बहुत हद तक बच सकता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अब जैसे कहीं पे कट लग गया या फिर कहीं पे चोट लग गई, उस दौरान अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, जल्दी बहुत ज्यादा समय पर रुक रही है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कहीं पे भी ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कहीं पे कोई ऐसी चोट लग जाए जो चोट बड़ी हो, गंभीर हो, और उस दौरान ब्लीडिंग बंद ना हो, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। क्योंकि अगर शरीर से फ्लूइड लॉस होगा, ब्लड अधिक बहेगा, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा। तो इसलिए वहां व्यक्ति के लिए एक तरह से जानलेवा भी हो सकता है। दूसरा इसमें क्या दिखता है, ब्लैक कलर स्टूल दिखेगा, ब्लैक कलर स्टूल दिखेगा। अब अगर ब्लैक कलर स्टूल की हम बात करें तो जब व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो उस दौरान भी उसको ब्लैक स्टूल होता है, या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आयरन सप्लीमेंट ले रहा है तो उसको भी ब्लैक स्टूल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट की कमी ही हो गई है, लेकिन अगर लगातार ऐसा हो रहा है, जैसे अगर आपने आयरन डाइट ले ली, तो उस दौरान क्या होगा कि आपकी जो लैटिंग है, स्टूल है, वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। तो वो क्या है, वो तो खाने की वजह से हो रहा है, दवा की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल वे में ऐसा हो रहा है कि आप कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, कोई आयरन नहीं ले रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपका स्टूल ब्लैक हो रहा है तो फिर ये भी एक लक्षण है, किस बात का, आपके शरीर में प्लेटलेट की कमी हो रही है। साथ ही मैंने बताया था कि ब्लीडिंग वाली बात। थर्ड केस में देखने को मिलता है रेड कलर यूरिन, रेड कलर यूरिन, ये भी एक लक्षण है प्लेटलेट्स कम होने का। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होता है तो जो उसकी यूरिन है, पेशाब है, उसका कलर बदल जाता है, कैसी होने लगती है, लाल कलर की होने लगती है। इसके अलावा जो व्यक्ति का बॉडी होता है, शरीर होता है, उस पे क्या होते हैं, रेड या फिर ब्लू पैचेस दिखने लगते हैं, मतलब कि लाल या फिर नीले कलर के धब्बे जैसे पैचेस उसके शरीर पे दिखने लगते हैं। और ये भी एक संकेत होता है कि व्यक्ति के शरीर में क्या हो रहा है, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। अब ये जो नीले धब्बे हैं या फिर लाल धब्बे हैं क्यों पड़ रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लेटलेट का काम क्या है, क्लॉटिंग करना, लेकिन जब इसकी कमी हो जा रही है तो अब वहां पे क्लॉटिंग नहीं हो रही है, और वहां पे अगर कहीं चोट लग गई है तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। तो वहां की जो मेम्ब्रेन्स होती है, वहां की जो ब्लड वेसल्स होती है, वो सभी क्या हो जाती है, फट जाती है, और फटने के बाद वहां पे ब्लीडिंग होने लगती है, फिर वही वहां उस एरिया में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, एक तरह से वहां पे थ्रोम्बस बन जाता है, गांठ जैसा भी बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसमें हमको धब्बे देखने को मिलते हैं, वो धब्बे कैसे होंगे, लाल हो सकते हैं या फिर नीले होते हैं। कभी कभी ये जो धब्बे होते हैं इनमें दर्द नहीं होता है, और कभी कभी इनमें दर्द
होता है। तो दोनों तरह होता है, पेनफुल भी होते हैं और पेनलेस भी होते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे भी आपको हाथ पैर पे शरीर पे कहीं पे भी ऐसे धब्बे पड़ जा रहे हैं जिनका कलर लाल कलर का है या फिर नीला कलर का है, तो ये भी एक संकेत है कि आपके शरीर में मे बी ब्लड काउंट कम हो रहा है। इसके अलावा जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, तो उस दौरान भी ऐसे स्पॉट शरीर पे दिखते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा व्यक्ति को बॉडी पेन बहुत होता है, बॉडी पेन बहुत होता है, और बॉडी पेन स्पेशली जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। जैसे घुटनों का जो ज्वाइंट्स होता है, ये फिंगर्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं, ये रिस्ट वाला ज्वाइंट होता है, यहाँ पे व्यक्ति को बहुत दर्द होता है। बहुत बार व्यक्ति ये कंप्लेन भी करता है कि मुझे बुखार आ रहा है और उस दौरान मुझे शरीर में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, खास करके जो घुटने है और जो हाथ की उंगलियां हैं वहां पे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो पूरे शरीर में है लेकिन वहां पे विशेषकर हो रहा है। तो ये एक लक्षण है प्लेटलेट कम होने का। अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपके होल बॉडी में पेन रह रहा है, साथ ही आपके ज्वाइंट्स में पेन रह रहा है, तो उस दौरान आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है, जिससे पता चल सके कि प्लेटलेट सही है या फिर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक लक्षण है प्लेटलेट कम होने का। इसके अलावा अगर व्यक्ति को सरदर्द की समस्या रह रही है, मतलब हमेशा उसको मीठा मीठा सरदर्द बना हुआ है, तो ये भी प्लेटलेट काउंट कम होने का एक लक्षण है। वैसे सरदर्द होना तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें देखने को मिल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उसका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, तो उस दौरान भी उसको सरदर्द की समस्या रहती है। स्ट्रेस में भी व्यक्ति को यही चीजें रहती हैं। तो ये जो सरदर्द वाला लक्षण है, ये बहुत सारे रोग हैं जिसमें देखने को मिल जाता है, लेकिन जो लक्षण है इन्हीं के आधार पर भी हम डायग्नोसिस करते हैं कि व्यक्ति को क्या हो सकता है। तो अब ये जो लक्षण है, अगर ये किसी व्यक्ति में हमको दिख रहे हैं, तो फिर क्या होता है, डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और जब हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं, तो उस दौरान सारी चीजें पता चल जाती हैं कि आखिर व्यक्ति के शरीर में क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है ब्लड का जो क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ है, कम या ज्यादा हुआ है, तो इससे इजीली पता चल जाता है। प्लेटलेट काउंट कब कम होती है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। जैसे नॉर्मली सबको पता है कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, या फिर अगर किसी भी व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, या फिर अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उनमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, या किसी के शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा एक और विटामिन होती है जिसको हम बोलते हैं विटामिन के, अगर विटामिन के की कमी होती है तो उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, या फिर जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 इसकी कमी भी होने पर प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम हो जाते हैं, ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कैंसर की समस्या है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो जो कीमोथेरेपी में मेडिसिन चलती हैं उनका साइड इफेक्ट होता है कि प्लेटलेट्स की कम हो जाती हैं, तो इसके लिए डॉक्टर पहले से ही बता देते हैं। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, तो उनमें भी देखने को मिल जाता है कि अगर उनका डायलिसिस हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम में अगर व्यक्ति डायलिसिस करा रहा है, तो उन लोगों में भी प्लेटलेट्स काउंट कम देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है, ये तो रोग की कंडीशन है कि पहले से ही व्यक्ति को वो बीमारी है और इस वजह से उसका प्लेटलेट काउंट हो रहा है। लेकिन अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक हेल्दी पर्सन है और उसके अंदर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि उसको क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, या फिर इन विटामिन में कोई विटामिन कम हो रही है तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि जो ये विटामिन है ये भी प्लेटलेट्स के साथ मिलके एक मुख्य रोल प्ले करती हैं ब्लड क्लॉट करने में, ब्लड का थक्का बनाने में। अगर हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है, फ्लो करता है, अगर उसमें एक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ब्लड लॉस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो बोन मैरो है वो उसमें क्या है, उसमें कोई कमी हो गई, कुछ कोई डिफिशियंसी हो गई है, तो उसकी वजह से वहां पे प्लेटलेट्स नहीं बनती है, क्योंकि प्लेटलेट्स बनने का स्थान कहाँ है, बोन मैरो, जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो जो बोन मैरो है उसमें जो प्लेटलेट्स है वो अच्छे से नहीं बन पाती है, और इस वजह से भी ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो अगर ऐसे लक्षण आप में दिख रहे हैं तो बिना कुछ सोचे आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।